क्रिकेट विश्व कप खत्म हो चुका है। हर साल में आने वाले क्रिकेट के ये महापर्व हर बार कुछ अनोखी यादें छोड़ जाते हैं, कुछ हमें उत्साहित करती हैं तो कुछ भावुक। हम आज बात करेंगे इस महासमर के दौरान घटित कुछ ऐसे स्वर्णिम पलों की जो सुखद यादें दे गए, साथ ही साथ जिक्र करेंगे उन क्षणों का जिन्होंने क्रिकेट फैंस को भावुक भी किया। तो आइए देखते हैं प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। And that क्रिकेट का महाकुंभ खत्म हो चुका है। इसी विश्व कप में इंग्लिश कप्तान वेन मॉर्गन ने एक पारी में 17 छक्के लगाने का कीर्तिमान हासिल किया। And that is a record for Ian Morgan, the most amount of sixes in an ODI innings, 17. किस्मत भी किस तरह किसी से रूठती है और किस तरह किसी पर मेहरबान होती है, वो भी इस विश्व कप में देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल में बटलर का थ्रो स्मिथ के पैरों के बीच से निकलकर स्टंप पर जा लगा और ऑस्ट्रेलियाई पारी में जान डाल रहे स्मिथ को पवेलियन पहुंचा दिया। इस घटना से एक ओर ऑस्ट्रेलियाई फैंस निराश हुए तो दूसरी ओर इंग्लैंड के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस क्रिकेट महाकुंभ में 10 देशों के 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने डुबकी लगाई। कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने इस महाकुंभ के दौरान ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया, तो वहीं कुछ ऐसे भी दिग्गज खिलाड़ी हैं जो शायद अगले विश्व कप तक रिटायर हो जाएं और हमें अगले विश्व कप में ना दिखें। जी हाँ, वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम में बार बार नजरअंदाज किए जाने वाले क्रिकेटर अंबाती रायडू ने इस क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको बता दें, पहले पंत और रायडू को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया था। धवन के चोटिल होने के बाद पंत को तो मौका मिल गया, लेकिन विजय शंकर के चोटिल होने के बाद भी रायडू को नहीं चुना गया। इसी निर्णय से आहत होकर इस युवा बल्लेबाज ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दूसरे संन्यास लेने वाले खिलाड़ी रहे पाकिस्तान के शोएब मलिक। मलिक को अनुभव के आधार पर पाक टीम में जगह मिली थी, लेकिन विश्व कप के दौरान मैच दर मैच मलिक का खराब प्रदर्शन जारी रहा, जिसके बाद शायद उन्हें लगा कि अब उनके अंदर क्षमता नहीं रही और उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के साथ खेले गए मुकाबले के बाद पाक खिलाड़ियों ने उन्हें ग्राउंड वॉक और गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदाई दी। तीसरे हैं विंडीज के खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल, जिन्होंने विश्व कप के दौरान ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी आखिरी पारी खेली। अब बात कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने संन्यास की आधिकारिक घोषणा तो नहीं की, लेकिन संकेत जरूर दिए हैं। इस कड़ी में पहला नाम है कीवी बल्लेबाज रॉस टेलर का, जो खेल तो अब भी अच्छा रहे हैं, पर बढ़ती उम्र और युवाओं को मौका देने के लिए वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बना सकते हैं। दूसरे दक्षिण अफ्रीकी लेग स्पिनर इमरान ताहिर के संन्यास लेने के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।